तो आज हम देखते हैं सी आउट और सी इन स्ट्रीम्स को थोड़ा सा डिटेल में। आउट स्ट्रीम मतलब वो स्ट्रीम जो आपके डेटा को कंसोल पे लेके जाएगी, और इनपुट स्ट्रीम मतलब जो आपके डेटा को कंसोल से लेके आएगी, लेकिन ये डेटा आपको सी आउट स्ट्रीम में एंटर करना है। ठीक है, ये आपकी स्ट्रीम है, तो इस सी आउट में ये डेटा इंसर्ट कौन करेगा? सो दैट टास्क डन बाय दिस ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। तो दोनों में डिफरेंस समझना, इंसर्शन का काम है, इंसर्शन ऑपरेटर इंसर्ट द डेटा इन स्ट्रीम, एक्सर्शन ऑपरेटर एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम स्ट्रीम एंड असाइन टू वेरिएबल। हेलो दोस्तों, स्वागत एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में। तो आज हम देखते हैं सी आउट और सी इन स्ट्रीम्स को थोड़ा सा डिटेल में। दो टाइप के स्ट्रीम्स है जो हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, जब भी किसी डेटा को प्रोग्राम से कंसोल स्क्रीन पे या कंसोल से प्रोग्राम में लेके आना है, सो वी आर गोइंग टू यूज सी आउट एंड सी इन स्ट्रीम। तो चलिए इसी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि सी आउट क्या है एक्चुअली। सी आउट हमारे लिए क्या है? सी आउट एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सी आउट क्या है? ऑब्जेक्ट, लेकिन हमारे लिए काम करेगा आउटपुट स्ट्रीम का। इट इज बेसिकली एन आउटपुट स्ट्रीम इन C++। सिमिलरली सी इन क्या है? इट इज एन ऑब्जेक्ट, लेकिन हमारे लिए काम करेगा इनपुट स्ट्रीम का। कि आउटपुट स्ट्रीम क्या होती है और इनपुट स्ट्रीम क्या होती है, राइट? आउटपुट स्ट्रीम मतलब वो स्ट्रीम जो आपके डेटा को कंसोल पे लेके जाएगी, और इनपुट स्ट्रीम मतलब जो आपके डेटा को कंसोल से लेके आएगी। कि यदि ये आपका C++ का प्रोग्राम है एंड दिस इज योर कंसोल स्क्रीन, अगर ये आपकी कंसोल स्क्रीन है जहां पर आपका डेटा या तो जाएगा या कंसोल से डेटा आएगा, तो प्रोग्राम और कंसोल के बीच में पहला ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है सी आउट एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है सीन। सीन का काम है डेटा को लेके आना और सी आउट का काम है डेटा को लेके जाना। दिस इज आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, ये आउटपुट स्ट्रीम है, कौन? सी आउट, दिस वन। ठीक है, दिस इज इनपुट स्ट्रीम, ये मेरे इनपुट स्ट्रीम है सीन। ठीक है, सी आउट एंड सीन, दिस आर द टू ऑब्जेक्ट, लेकिन एक मेरे लिए काम कर रहा है आउटपुट स्ट्रीम का और दूसरा मेरे लिए काम कर रहा है इनपुट स्ट्रीम का। लेकिन अब इनको यूज कैसे करना है, किस तरीके से हम C++ के डेटा को सी आउट को यूज करके कंसोल पे प्रिंट करेंगे, या किस तरीके से आपका डेटा कंसोल से प्रोग्राम में आएगा, दोनों कॉन्सेप्ट को देखते हैं यहां पे। अभी आप थोड़ा सा समझिएगा, सीन को जब मैं यूज करूंगा तो हम कुछ डेटा की बात करेंगे, ठीक है, जो अभी थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूज करें अगर आप फर्स्ट टाइम किसी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं तो। लेकिन डोंट वरी, इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं किस तरीके से हम सी आउट और सीन को यूज करेंगे। सो सी दिस वन, यदि सपोज यहां पर मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूं जहां मुझे एक डेटा प्रिंट करना है कंसोल पे, ठीक है, तो हमने क्या किया, iostream.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया, ठीक है, एंड देन यहां पर हमने लिखा void main, void main, ओके। और यहां पर अब आप सोचो, देखिए आप, यदि मान लो मैंने आपसे बोला ये मेरा डेटा है, सपोज मैंने बोला वेलकम, वेलकम इन C++, ये वो डेटा है जो मुझे कंसोल पे प्रिंट करना है, ठीक है, तो इस डेटा को कंसोल पे कौन लेके जाएगा? सी आउट। आपको ये डेटा देना है सी आउट को, ठीक है, ये आपका सी आउट है। सी आउट का काम क्या है? डेटा को कंसोल पे लेके जाना, ये आपकी कंसोल स्क्रीन है सपोज, तो डेटा को कंसोल पे ले जाने का काम कौन करेगा? सी आउट, ठीक, लेकिन ये डेटा आपको सी आउट स्ट्रीम में एंटर करना है, ठीक है, ये आपकी स्ट्रीम है, तो इस सी आउट में ये डेटा इंसर्ट कौन करेगा? सो दैट टास्क डन बाय दिस ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। कि जब भी किसी डेटा को आपको स्ट्रीम के थ्रू कंसोल पे लेके जाना है, सो दैट टास्क डन बाय सी आउट, लेकिन सी आउट का काम क्या है? डेटा को ले जाना और कंसोल पे प्रिंट कर देना, ठीक है, ये अगर आपकी कंसोल स्क्रीन है, सो डेटा को ले जाके कंसोल पे प्रिंट करने का काम ये किसका है? सी आउट का। लेकिन स्ट्रीम में डेटा इंसर्ट कौन करेगा, किस स्ट्रीम में डेटा देगा कौन? सो दैट टास्क डन बाय दिस इंसर्शन ऑपरेटर, ये काम करता है इंसर्शन ऑपरेटर। तो सी आउट के साथ जब भी हम डेटा प्रिंट करेंगे, यहां पर हमें क्या लिखना है? सी आउट देन इंसर्शन ऑपरेटर एंड देन द डेटा। अब ये जो डेटा है, यही मैं आपको बोल रहा था कि अभी हम आगे डेटा टाइप की बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, अभी केवल कॉन्सेप्ट को समझना कि सी आउट के साथ जब हम डेटा प्रिंट करेंगे, सो दैट डजंट मैटर कि मेरे डेटा का टाइप क्या है। अब देखिए, आई होप ये कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गया है
कि किस तरीके से हम सी आउट को यूज करेंगे डेटा को कंसोल पे प्रिंट करने के लिए। सो सी दिस वन, यहां पर सपोज अगर मेरे पास अलग अलग डेटा है, मेरे पास एक डेटा इंटीजर टाइप का है, मेरे पास एक डेटा फ्लोट टाइप का है, ठीक है, सपोज वी हैव अ डेटा टाइप फ्लोट, ठीक, या मेरे पास डेटा कैरेक्टर टाइप का है। अभी आई होप आप मतलब ये हो सकता है आपको ये टॉपिक अभी एग्जाम से समझ में ना आए कि सर ये इंट क्या लिखा है, फ्लोट क्या लिखा है, कैरेक्टर क्या लिखा है। डोंट वरी, अभी हम डेटा टाइप वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एंड ईच एंड एवरीथिंग वुड बी क्लियर, नॉट टू वरी अबाउट दिस। लेकिन अभी मुझे आपको जो एक्सप्लेन करना है वो ये कि हम अलग अलग टाइप का डेटा जब प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं तो आप देखिए सी आउट को यूज करके हम डेटा कैसे प्रिंट करेंगे। सी आउट मैंने यहां पर लिखा हेलो, तो ये जो डेटा है ये मेरा स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। अगर मान लो मैंने लिखा सी आउट ए तो ये मेरा डेटा इंटीजर है, सी आउट बी तो ये मेरा डेटा फ्लोट है, सी आउट सी तो ये मेरा डेटा कैरेक्टर है। मतलब किसी भी टाइप का डेटा अगर आपको कंसोल पे प्रिंट करना है तो केवल आपको सी आउट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर यूज करना है, जिसमें स्ट्रिंग डेटा होगा तो भी ये स्ट्रिंग डेटा को ले जाके कंसोल पे प्रिंट कर देगी। अगर आपका डेटा इंटीजर होगा तब भी ये डेटा ले जाके कंसोल पे प्रिंट कर देगा। अगर आपका डेटा कैरेक्टर है देन द कॉन्सेप्ट इज सेम। यदि आप ऐसे किसी ने C++ के पहले C पढ़ा है तो वहां पर आपको पता होगा कि हम अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज करते थे, परसेंटेज डी फॉर इंटीजर, परसेंटेज सी फॉर कैरेक्टर, ये C में, ठीक है, परसेंटेज एफ फॉर फ्लोट, परसेंटेज एस फॉर स्ट्रिंग, ये हम यूज करते थे C में। बट इन C++ देयर इज नो नीड टू यूज दिस कॉन्सेप्ट। C++ में आप डेटा किसके थ्रू यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग के। The meaning of stream is sequence of data in binary format. तो जब भी किसी डेटा को आपको प्रिंट करना है कंसोल स्क्रीन पे, so this is how to print the data. अब यहां पर भी आप देखो, यहां पर अगर आप डेटा प्रिंट कर रहे हैं, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, तो सपोज करो आपके पास डेटा है ये इंटीजर, इंटीजर a इक्वल टू 30, अब आपको इसको प्रिंट करना है, ठीक है, यूजिंग सी आउट। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सी आउट, मान लो मैंने इसको ऐसा लिखना है मुझे वैल्यू, वैल्यू इज, और एक ही वैल्यू प्रिंट करना है, ठीक है। तो सी आउट के साथ आपने पहली स्ट्रिंग दी वैल्यू इज इंसर्शन ऑपरेटर के साथ। सिमिलरली इसी के आगे मैं एक और इंसर्शन ऑपरेटर यूज करके लिख सकता हूं ए। सो फर्स्ट टाइम दिस इंसर्शन ऑपरेटर इंसर्ट वैल्यू इज इन स्ट्रिंग एंड सी आउट विल प्रिंट दैट डेटा। सेकेंड टाइम दिस इंसर्शन ऑपरेटर इंसर्ट ए इन स्ट्रिंग एंड देन सी आउट प्रिंट दिस डेटा। तो एक सिंगल लाइन पे हम दो अलग अलग टाइप का डेटा भी प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग सी आउट। और यदि आप चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो प्रिंट दिस डेटा इन टू सेपरेट लाइन, आप इसको दो अलग अलग लाइन पे भी प्रिंट कर सकते हैं, सॉरी दो अलग अलग सी आउट के साथ भी प्रिंट कर सकते हैं, कि मैंने फर्स्ट टाइम लिखा सी आउट ए वैल्यू इज और सेकेंड टाइम मैंने लिख दिया सी आउट ए। तो ये डिपेंड करता है, आप देखिए प्रोग्रामिंग को सिंपल सिंप्लीफाई करना है, सो द बेस्ट ऑप्शन यू शुड गो फॉर दिस स्टेटमेंट, दैट वन प्रीवियस वन, नहीं तो आपको दो अलग अलग लाइन पे भी लिख सकते हैं आप। तो कॉन्सेप्ट में आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जब भी आप सी आउट को यूज करेंगे, हाउ सी आउट इज बेसिकली यूज फॉर प्रिंट द डेटा, कि ये जब जब आपका डेटा कंसोल पे जाएगा C++ से किसके थ्रू जाएगा सी आउट। जब अब बात हो रही है अगर मुझे डेटा कंसोल से रीड करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज यदि मैंने आपसे बोला कि सर मुझे यहां पर एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम चाहते हैं यूजर से डेटा रीड करें, ठीक है, मुझे डेटा यूजर से रीड करना है, तो यूजर से अगर आपको डेटा रीड करना है तो यहां पे अब हमने क्या बोला, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर आप फर्स्ट टाइम कोई फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो मे बी पॉसिबल आप अभी डेटा टाइप ने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, बट बेटा प्लीज वेट फॉर लेक्चर जहां पर मैं आपको डेटा टाइप पढ़ाऊंगा, उसके बाद अगर आप सी आउट सीन को यूज करेंगे तो चीजें और बेटर आप समझ पाएंगे। लेकिन अभी हम केवल यह बात कर रहे हैं कि डेटा किस तरीके से प्रोग्राम से कंसोल पे जाएगा और किस तरीके से कंसोल से प्रोग्राम पे आएगा, दैट इज द टू थिंग्स, सी आउट और सीन। तो यहां पर आप देखो, यदि मान लो मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक एन है, अब इस एन में मुझे डेटा यूजर से रीड करना है, तो सबसे पहले तो हमने लिख दिया सी आउट एंटर अ नंबर, ठीक है, अब मुझे एन में डेटा यूजर से रीड करना है, ठीक है, इस एन में हमें डेटा यूजर से स्कैन करना है, रीड करना है, तो यहां पर हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है सीन। मैंने आपको क्या बोला, देखो अभी मैंने आपको बताया था सीन का काम क्या है, यदि मान लो इसका काम है डेटा लेके, मान लो मैंने डेटा दिया 15 जो मैंने कंसोल पे टाइप किया है, इसको लेके आना
और C++ के किसी वेरिएबल को असाइन कर देना, ठीक है। लेकिन अब यहां पर आप देखो सीन का काम क्या है, सीन का काम है डेटा लेके आना कंसोल से, ठीक है। तो ये स्ट्रीम डेटा लेके आई, मान लो आपने दिया कंसोल पे, ये आपकी कंसोल स्क्रीन है, सपोज आपने सीन लिखा, आपने डेटा एंटर किया 28, ये डेटा सीन के थ्रू आ गया, लेकिन अब इसको असाइन किसको करना है, एन में। तो जो डेटा स्ट्रीम के पास है अब वो स्ट्रीम से एक्सट्रैक्ट करके एन को देना है, राइट। सीन ने क्या किया, डेटा रीड किया, लेके आया, अब ये असाइन करना है एन को। तो देखो दोनों में डिफरेंस समझना, यहां पर एक्सर्शन ऑपरेटर स्ट्रीम में डेटा, सॉरी यहां पे इंसर्शन ऑपरेटर स्ट्रीम में डेटा इंसर्ट कर रहा है, सीआउट को डेटा दिया जा रहा है प्रिंट करने के लिए, सीन डेटा लेके आया है, अब वो ए को देना है जो कि प्रोग्राम वेरिएबल है, राइट। तो जो डेटा सीन लेके आया है अब वो एन को कैसे असाइन करेगा, यूजिंग दिस एक्सर्शन ऑपरेटर। तो दोनों में डिफरेंस समझना, इंसर्शन का काम है, इंसर्शन ऑपरेटर इंसर्ट द डेटा इन स्ट्रीम, एक्सर्शन ऑपरेटर एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम स्ट्रीम एंड असाइन टू वेरिएबल। इसका काम है स्ट्रीम में इंसर्शन करना, इसका काम है स्ट्रीम से एक्सट्रैक्ट करके डेटा वेरिएबल को देना। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही आपने लिखा सीन एन, एन नाम के वेरिएबल में आपका डेटा असाइन हो गया जो भी आपने कंसोल पे दिया था। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ C++, सी आउट एंड सीन। सी आउट इज बेसिकली यूज टू प्रिंट द डेटा वाइल सीन इज यूज टू रीड द डेटा। अब ये तो चलिए एक डेटा रीड करना था, यदि सपोज इसी प्रोग्राम में मैंने आपसे बोला कि मुझे यूजर से दो नंबर एंटर करना है, उन दोनों को ऐड करना है और उसको प्रिंट करना है, सिंपल सा प्रोग्राम, राइट। तो यदि दो नंबर रीड करना है तो यहां पर हमने क्या लिखा, इंट ए कॉमा इंट ए कॉमा बी कॉमा सी सपोज। अब दो नंबर मुझे यूज करना है तो हमने मैसेज दिया सी आउट एंटर टू नंबर। अब उन दो नंबर को आप दो तरीके से रीड कर सकते हैं कि या तो मैं लिखूं सीन ए सीन बी, या तो आप दो अलग अलग सीन स्टेटमेंट लिखें, और या फिर इन दोनों को हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं, सीन एक्सर्शन ऑपरेटर ए एक्सर्शन ऑपरेटर बी, बोथ आर वैलिड तरीके, दोनों तरीके वैलिड है। आप दो अलग अलग स्टेटमेंट को यूज करके भी सीन कर सकते हैं या अ सिंगल स्टेटमेंट रीड योर कंप्लीट डेटा, पर सजेशन हमेशा मैं आपको ये देता हूं एक सिंगल स्टेटमेंट लिखें। अगर आपको 10 नंबर एंटर करवाने हुए मान लो फ्यूचर में, सो 10 लाइंस अ लिटिल बिट टीडीएस और कॉम्प्लिकेटेड, तो बेटर क्या है, आप एक साथ डेटा रीड कर लें अलग अलग एक्सर्शन ऑपरेटर के साथ। तो यदि मान लो मैं दो नंबर मैंने रीड किए हैं, ठीक है, एक साथ अब हम मैं लिख रहा हूं उसको, तो क्या लिखेंगे हम यहां पर, सीन सीन ए बी, ये दो वैल्यू मिल गई आपको। अरे समझ यार, चीजें बड़ी आसान है, सिंपल है, बस आपको फोकस रहना है, समझना है, ठीक है। दो वैल्यूज आपको मिल गई हैं, अब इन दो वैल्यूज को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने सिंपल लिख दिया सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो आप देखो क्या हुआ, जैसे ही आपने ये वेरिएबल डिक्लेयर किए, मेमोरी में तीन वेरिएबल आ गए ए बी और सी, ये तीन वेरिएबल मेमोरी में आ चुके, ठीक है। अब ये तीन वेरिएबल जब मेमोरी में आए, ठीक है, तो आपने पहली वैल्यू एंटर की मान लो 20, ये मेमोरी में आ गई ए में, 20 के बाद आपने सेकंड दिया 10, सपोज ये आ गया बी में, अब दोनों जुड़ गए तो इसमें क्या आ गया 30, अब मुझे प्रिंट करना है। तो मैं सी आउट को कैसे लिख सकता हूं, सी आउट एडिशन एडिशन इज, ये वो आउटपुट जो मैं प्रिंट करना चाहता हूं कि जो रिजल्ट है वो एक्चुअली क्या है, तो हमने बोल दिया एडिशन इज। अब मुझे यहां पे सी की वैल्यू प्रिंट करना है, सो अगेन आई एम गोइंग टू यूज This exertion operator, and here I'm going to write C. तो एक ही लाइन पे मैंने दोनों स्टेटमेंट को यूज कर लिया, हमने एडिशन इसको भी प्रिंट कर दिया, हमने सी को भी प्रिंट कर दिया। सो दिस इज वॉट द कॉन्सेप्ट, कि हम जब भी C++ में डेटा प्रिंट करने की बात करेंगे हम सी आउट को यूज करेंगे, जब भी डेटा रीड करने की बात करेंगे हम सीन को यूज करेंगे। तो सी आउट और सीन दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है, एक आई स्ट्रीम क्लास का, एक ओ स्ट्रीम क्लास का, दोनों मेरे लिए स्ट्रीम का काम कर रहे हैं, एक डेटा को कंसोल पे लेके जा रहा है इसलिए वो आउटपुट स्ट्रीम है सी आउट, एक डेटा को कंसोल से लेके आ रहा है इसलिए वो इनपुट स्ट्रीम है सीन। ये दो कॉन्सेप्ट को अभी हम लोगों ने बात की है कि सी आउट क्या है और सीन क्या है और किस तरीके से हम इन दोनों को यूज करेंगे।
ठीक। तो यहां पर अभी हम लोगों ने थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, हम बात कर रहे थे सी आउट और सी इन ऑब्जेक्ट की। तो मैंने आपको बताया था सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ विच यूज एज एन आउटपुट स्ट्रीम, सी इन इज एन ऑब्जेक्ट विच यूज एज एन इनपुट स्ट्रीम। और आउटपुट और इनपुट स्ट्रीम ये हमने बात की थी कि जो डेटा को कंसोल पे लेके जा रहा है दैट इज एन आउटपुट स्ट्रीम, जो कंसोल से लेके आ रहा है दैट इज एन इनपुट स्ट्रीम। एंड हाउ वी कैन यूज दिस सी आउट एंड सी इन, ये भी हमने प्रोग्राम के थ्रू देखा। और यदि आपको ये कंफ्यूजन अभी होगा, नो डाउट सर, ये इंट ए बी सी क्या है, डोंट वरी अबाउट दिस, ये वेरिएबल्स हैं जिनमें हम डेटा रीड करने की बात करते हैं। जब अभी हम डेटा टाइप पढ़ेंगे उसके बाद अगर आप सी आउट सी इन को सोचेंगे तो और बेटर समझ में आ जाएगा। अभी अगर आपको केवल कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो भी सफिशियंट है कि सी आउट को क्यों यूज कर रहे हैं और सी इन का क्या यूज है। और अगर आप में से किसी ने पहले सी पढ़ी है तो यू नो वहां पर प्रिंट एफ स्कैन एफ हुआ करते थे, देयर आर द फंक्शन, यहां पर हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा। फिर हमने देखा कि कितने तरीके से हम सी आउट को यूज करके डेटा प्रिंट करेंगे। सी आउट विल प्रिंट ऑल टाइप ऑफ डेटा क्योंकि ये स्ट्रीम फॉर्मेट में डेटा को यूज कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई हमें ना परसेंटेज डी परसेंटेज सी कोई यूज नहीं करना है क्योंकि ये सब फंक्शन में हम यूज करते थे सी में। अगर आप में से किसी ने सी पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है तो आपके लिए तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है ना, कोई टेंशन ही नहीं, आपको कोई कंपेरिजन नहीं करना है। ओके, तो दिस इज हाउ टू प्रिंट द डेटा यूजिंग सी आउट, चाहे इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, किसी भी टाइप का डेटा है आपके पास, यू कैन इजिली प्रिंट दिस डेटा। और फिर हमने ये देखा कि बॉस अगर आपके पास वेरिएबल डेटा है तो उसको दो लाइन में भी प्रिंट कर सकते हैं और अ सिंगल लाइन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द सेम थिंग। सो दिस इज वॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ सी आउट एंड सी इन जो भी हमने बात की कि ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, स्ट्रिंग्स हैं। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं कि किस तरीके से हम सी आउट और सी इन को यूज करेंगे सी प्लस प्लस में डेटा को प्रिंट और स्कैन करने के लिए। बड़े सिंपल से तरीके हैं बच्चे, समझो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल करो, फोकस्ड होके थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करो और बने रहिए इस कोर्स में। और अगर पसंद आ रहे हैं वीडियोज तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए क्योंकि आगे मैं आपके लिए और भी बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लेके आने वाला हूं। बस बने रहिए, समझते रहिए और प्रैक्टिकल करते रहिए। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। फोकस रहे, बने रहे इस कोर्स में, अपने टारगेट को ध्यान रखें। यदि विचार इधर उधर जा रहे हैं तो एक बार टॉप एमएनसीज को, एक बार अपने प्रोजेक्ट को, एक बार अपने स्टार्टअप को दिमाग में ले आओ, सब ख्याल वापस घूम के यहीं आ जाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलता हूं बॉस, देश में रहना है, स्टार्टअप अपना शुरू करना है, अपना मालिक स्वयं बनना है, खुद का मालिक बनो बॉस, जॉब करो, अपने देश में रहके अपने देश की कंपनियों के लिए जॉब करो, ठीक है। लेकिन फ्यूचर प्लान हमेशा ये रखो कि बॉस स्टार्टअप, अपना खुद का स्टार्टअप, उसकी बात ही अलग है बॉस, मैं आपको बोल रहा हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। बस बने रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।